तो केशु क्या कर रही हो? मैं समोसे बना रही हूँ। ओके, तो आज के ब्लॉग में रहेगा कि समोसे कैसे बनते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मटरी बन रही थी तो उसके लिए मैदा का आटा जो था वो पहले से तैयार था, तो मटरी उधर बन रही है उसमें से मैंने आटा बचवा लिया कि मेरे लिए समोसे भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बाजार के समोसे इतने पसंद नहीं है, घर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। तो जैसे ना, जैसे अपन पूड़ियाँ बेलते हैं ना, वैसे ही हमें बेल लेना है और ऐसे बीच से काट लेना है। ठीक है, इसमें नमक अजवाइन ये सब पड़ा हुआ है, और नमक अजवाइन और थोड़ा सा तेल मौन। हाँ, मौन। ठीक है, उसके बाद मैंने आलू कुकर में डाले और उबाल लिए। ठीक है, उसमें मैंने नमक डाला है ताकि ये जो है ना, ये अच्छे से ऐसे छिल जाते हैं। ओके। अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, बट नमक इस डाल दो ना तो सही रहता है। ठीक है, इतना मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी गाइस सीख रही हूँ साथ साथ। ठीक है गाइस, यहाँ केसु की पोटली खुल गई है, क्या क्या डालना है, क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले राई डाल दी, ऑयल लिया, ऑयल में डाली राई, जीरा डाल दिया, ये सौंफ, ओके, धनिया डाल दिया। ठीक है, मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद ये अमचूर है, घर का पिसा हुआ अमचूर। ठीक है, और ये मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, ये सब्जी मसाला डाल दिया। सारे मसाले मिक्स कर लो गाइस, काले हो रहे हैं केसु, जल रहे हैं मसाले। ओह नो, और ये मैं तन मत डाल दूं, जल्दी फटाफट डालो, आलू जल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे गाइस, तो डर लग रहा है कि ये जल ना जाए। गाइस स्टाइल मार रही हूँ, कुछ नहीं देखी हूँ, पूरा जल रहा। लेकिन गाइस ये समोसे सच में बहुत अच्छे बनाते हैं। तो नीचे केशु के समोसे बन रहे थे और ऊपर में मटरियां फ्राई कर रही थी जो मम्मी बना के रख के गई थी, और बोल रही है कि इसमें मैगी मसाला भी डालती है जो कि मैं भूल गई। कोई बात नहीं, केशु साफ सफाई जरूर कर लेना, आसपास फैला के बैठ जाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि समोसा कैसे बनते हैं। केशु शूट कर रही है, उसी ने बनाया, तो मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। और हम लोग मतलब ये मैदा रखी थी तो मम्मी ने कहा मैदे की मटरी बना लेते, तो हम लोग सब मिलके मटरियां बना रहे हैं। और इसी के साथ क्या, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, रैंडम ब्लॉग चालू कर लिया, आपके से मजे आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर लाइक कीजिए, और बस टाटा गाइस। केसु ने सॉरी बहुत अच्छे से सब्जी को ऐसे मिक्स कर दिया है, मतलब देख सकते हो आप, दिख तो बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पे ये समोसे बनने लग गए, इसने ऐसे गोल गोल राउंड राउंड बेल के पतले पतले और उसके दो टुकड़े करे। बताओ केसु कैसे बना रही हो फिर? हाँ, इस ये क्या है, पानी? ये पानी है, इसमें हम मैदा भी डाल सकते हैं, बट मैं मैदा बचाना भूल गई हूँ इसलिए मैदा बचा ही नहीं घर पे। नहीं तो ये देखो अभी, तो मैंने केवल पानी लगा लिया, ऐसे हम इस चिपका रही है, कोन बना रही है। ठीक है, अब इसमें हम भर देंगे। हाँ, खटाओ आप अकॉर्डिंगली, मतलब जितना भर सकते हो और वो बंद हो जाए आप भर दो अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम इधर किनारे किनारे लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको बंद करेंगे, तो ये बन गया। वाओ नाइस समोसा। ठीक है, अब मैं दूसरा बनाऊंगी, एक और देख लो गाइस, गाइस बोर हो जाएंगे। सही जो का देख रही, बता बेटा माँ के लिए साड़ी, खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। फेसबुक पे जो ही देखती, कमाने लायक नहीं था, और जब कमाने लायक हुआ तो मेरे पास माँ नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ, इच्छा तो मेरी अधूरी रह गई। ओह नो, पकड़ी गई अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
मैं फंस गई थी मेरे काम में और यहाँ केशु मेरी चुगली कर रही है कि देखो पापा ये जल रही हैं, दीदी ऐसे छोड़ के चली गई तो पापा मेरी हेल्प करने आ गए किचन में। ये देखो हमारी सब कुछ मटरी और समोसे रेडी हो गए, केशु यहाँ पे इनको फ्राई करने लगी तो बस उनको कोन की तरह बना लिया और फिर बहुत सारा ऑयल डाला कढ़ाई में और इनको फ्राई कर दिया। ये देखो कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं, बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद घर पर आया अक्कू, तो यहाँ पर मम्मी पापा अक्कू तीनों लोग मिल के गप्पें कर रहे हैं खूब सारी। फिर मैंने चारों के लिए समोसे लिए और हम लोग लेके गए। अभी अक्कू बताएगा कैसे बने हैं। हाँ अक्कू बताओ कि सुने कैसे बनाए। क्लास एकदम टेस्टी। ठीक है अच्छा हंच लो, मुझे देख के हंच लो, हंच लो, हंच लो। हफ्ते में एक बार तो मैं इसको खिलाने ज़रूर जाती हूँ। इसकी प्यारी सी स्माइल, इसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ना जाने ये क्या समझती है पर बहुत अच्छा लगता है इससे मिलके। किस रूमाल क्यों बांधा? अरे वो ना मेरे बाल आग होके आ रहे थे, आगे से कटे हैं ना अभी, तो हेयर बैंड से जब निशान पड़ रहे थे बालों में, बैंड बनना था इसलिए तो मैंने सोचा कि रुमाल बांध लेती हूँ, क्योंकि हेयर बैंड से ना इतना कवर था, ये वाला कवर नहीं था, ये बाल इधर ऐसे लगते थे तो बहुत अजीब सा लगता था, तो मैंने फिर ऐसे करके इधर रुमाल बांध लिया। गाइस केशु की कहानी बहुत खतरनाक है। किसी को किसी बात की परेशानी है, इन्हें इस बात की परेशानी है, पूरे दिन बालों को देखती है और निहारती है। आपके साथ भी होता है क्या इतना? मतलब मैं भी अपने आप को निहारती हूँ पर बालों को इतना नहीं। भैया अपनी शक्ल ही काफी है ना केशु? केशु बच्चों वाली आवाज भी बहुत बढ़िया निकालती है, निकालो। वो ना गाइस ऐसा है कि वो जब निकलती है तब निकलती है, ऐसे नहीं निकलती खुद से निकालो। अच्छा जब निकलती है तभी निकलती। ट्राई ट्राई एक बार ट्राई। टैलेंटेड हो तुम। मतलब मैं कैमरा पर्सन नहीं हूँ ना, इसलिए कैमरे के सामने जब नहीं निकल पाती। ओके कैमरा बंद कर दूँ? हाँ केशु भी काम करती हूँ। सी कभी कभी करती हूँ कि मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। मशीन में कपड़े धोए हैं इसने। केशु कितने सालों बाद? आई एम नॉट बिलीविंग दिस। हाय बोल दो चलो आज के लिए। इसके बाद मुझे और केशु को कहीं जाना था, वो आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग गिफ्ट लेने आ गए यहाँ पे दुकान पे, और आप देखो हम लोग वापस आ रहे थे तो यहाँ का सनसेट देखिए कितना खूबसूरत है। जो चलने लगे बाय सोनू अली खान प्रीतम। उसके बाद रात होने वाली थी, मैंने अपनी डायरी लिखी, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड किया बस। केयर नहीं करती हो तुम, घिनू हो एक नंबर की। वो ऐसे ही रखा था घड़ी बनाती जैसा रखा है। कितने सालों से? ए बेड बनी बेड बनी। कितने सालों से? साल काय को अलमारी को कितने दिन हुए। सीताफल खाती है। केशु कंटिन्यू। गाइस हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, सीधी प्लेट उठाई। आपको ये फल कैसा लगता है जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, पर हाँ इसमें मेहनत बहुत होती है खाने में। फल का नाम बताना एक बार। सीताफल। चीता फल होता। चीता। हाँ जा सीख के। गाइस आप बताओ मैं सही हूँ या केशु? इसको सीताफल बोलते हैं या चीता? चीताफल नहीं बोलता, सीताफल बोला। हाय गाइज आज मैं आपसे मिली भी नहीं इतना, क्योंकि आज संडे था, एकदम लेजी सी हो रही थी मैं, उठी भी काफ़ी लेट थी। उसके बाद फिर कुछ काम थे घर के, मतलब कुछ फिटिंग वगैरह रह गई थी तो वो करानी थी तो उसमें फंस गए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया पता। मैंने फिर 12:30-1 बजे तो नहाया होगा, रूम साफ़ किया अपना, वॉशरूम साफ़ किया और मम्मी का थोड़ा सा काम कराया। फिर हम दोनों ने मिलकर टीवी देखी, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत लड़ाई करी। उसके बाद मार्केट गए थे हम लोग,
तो मार्केट से कुछ, आज अभी हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेने गए थे, तो आपको भी ले चलूंगी साथ साथ में, अगर ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको वहां भी घुमाऊंगी। तो अभी तो कुछ नहीं, बस टाइम हो गया है लगभग 6:30 बज गए, तो अभी बस मैं तैयार होती हूँ उठ के, अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या पहनना है, उसके बाद फिर वहां के लिए निकलूंगी। तो बस वही मार्केट गई, उसी में पूरा दिन निकल गया, इसलिए कुछ भी मैंने वीडियो नहीं बना पाई उसकी, मतलब पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। पर चलो आगे देखते हैं, बहुत कुछ होगा बर्थडे पे, तो सबसे आपको मिलाऊंगी पुराने मोहल्ले में, वही जहाँ मैं देवी जी के पास गई थी ना, वहीं पर अभी फिर से जाना है मुझे, तो आपको ले चलूंगी वहाँ। ठीक है गाइज, मैंने इतने सारे कपड़े निकाले थे जिसमें से एट द एंड मैंने ब्लैक ही सिलेक्ट किया, या मैं ब्लैक पहनती हूँ या मैं पिंक पहनती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे को कलर। जैसे आपने देखा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, केक कट हो गया, इसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू हर, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद ये देखो रिचुअल ही होता है सबका फोटो क्लिक कराने का, तो हमने भी करा ली। अब आप सबसे मिलिए, इससे मिलिए, ये सारी मौसियाँ हैं हमारी और उनके बेबी हैं सारे, तो ये कुछ बहन भी है, ये सिद्धि थी, ये गुड़िया मौसी, रिंकी मौसी और उनका क्यूट सा बेबी किट्टू, और ये मौसा जी। उसके बाद लगे हाँ, तो मैंने भी हेलो बोल दिया आप सभी को, मेरी तरफ से भी हेलो। उसके बाद ना मौसी बोलने लगी, केशु ने तो बोला ही नहीं, तो केशु की शक्ल देखना, देखने लायक थी, ये लो। फिर उसने भी हेलो बोल दिया, फिर दिशी ने हेलो बोल दिया, फिर ये मामियों ने, और गुनचुक भी दिख रही है साथ साथ। फिर हम लोग नीचे पसर के खाने लगे, वैसे तो बुफे था पर कंफर्ट जोन सबसे पहले ज़रूरी है। मौसी ने कहा, अरे लाओ मैं ऐसे तुम लोगों की वीडियो बनाती हूँ, तब पता चलेगा तुम लोग कैसे खाना खाते हो, क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक एक करके सारे बैठने लग गए और हम लोग कंफर्ट जोन में खाना खा रहे हैं। आप एग्री करते हो या नहीं, कंफर्ट जोन सबसे पहले। गाइज ये देखो, मामा इस कंडीशन में है कि बस सोते रहते हैं, कोई काम नहीं कराते मामी का, अभी से सो गए, अभी 7 बजे हैं, और और मामी खुद कह रही कि मामा लड़ते ज्यादा है, और मामी बेचारी देखो कितनी थक गई है, इनकी शक्ल पे दिख रहा है बेचारी मामी मामी थक गई काम कर करके, दिवाली का काम कर रही है और कुछ और कुछ बुराई तो नहीं करने मामा की, बुराई क्या करो, लड़वा का क्या है, ये तो खा लो हम रोटी के नज्जे। गाइस आपको समझ नहीं आएगा, मामी ने बहुत जल्दी जल्दी बोला, इनने बोला कि मामी रोटियां खाती हैं, मामा काउंट करते हैं, सोच जो गाइस मेरे मामा मामा की 5 दाढ़े खिंच गई हमने दाढ़े तो समझते होंगे बहुत सारे लोग, 5 दांत निकल गए, बुढ़ा बुढ़ापा आ गया, हमने कहा सब जने सोचे मामा की बुराई करने लगी, मामी के संग खड़ी हमने बोली क्या, हम ये सब पता होती तो 5 दांत निकाले तो शादी न कराते लेकिन अब तो हो गई, अब तो हो गई, ये आस्था और ये श्रद्धा। आओ श्रद्धा आगे। ये लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, हम सबका ही फेवरेट है सिवाय केसु का, तुम देखते हो, पहले देखती थी अब बोल, और मामी बोल रही है दोनों बहुत लड़ाई करती है तो वो तो होता ही है, हम दोनों भी बहुत लड़ते हैं गाइस, को पता है हम दोनों कितना लड़ते हैं, उसी तरह सारे बहन भाई लड़ते हैं, उसमें क्या है ना, कोई नई बात नहीं है। और श्रद्धा कुछ और बोलना चाहेंगी आप पता गाइस, श्रद्धा तैयार हुई प्रॉपर, रुको दीदी मुझे चोटी कर लेने दो फिर वीडियो चालू करना, और जैसे वीडियो चालू करी है कुछ बोल ही नहीं रही है, शर्मा रही है गाइस, ये देखो रसगुल्ला बेसन के लड्डू, रियलिटी दिखाओ, रियलिटी सही में दिखाओ, कहाँ है जी जले अप्पे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हेलो जी, तो ये था मेरा ब्लॉग, रैंडम सा, मुझे खुद नहीं पता था, हर बार रैंडम ही बोलती हूँ पर सचमुच रैंडम था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लॉग चालू भी करूँगी, पर केशु ने कहा दीदी मैं समोसा बना रही हूँ मेरा ब्लॉग बना लो, मैंने कहा क्यों नहीं, तो फिर जैसे जैसे थोड़ा 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 मैं जो भी कैप्चर कर पाई, क्योंकि पता क्या होता सैटरडे संडे 5 दिन बाद मिलता है, तो हम लोगों को काम, और अभी दिवाली के थोड़े बहुत काम भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जितनी बिजी रहती हूँ कि हर
टाइम पे मोबाइल लेके नहीं घूम सकती, पर मैंने जितना आप लोगों को दिखाया उतना भी आपको आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिए मुझे भी और अपनों को भी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ खुश हों, अच्छे हों। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा।